प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ओम 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 हरि ओम, ओम 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 आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम, शक्ति दाता ओम, मुक्ति दाता ओम, हरि ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ओम ओम रामा जी ओम, श्यामा जी ओम, शिवा जी ओम, ओम 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 आनंद देवा, माधुर्य देवा, आरोग्य देवा, मम देवा, माग महात्म देवा, हरि ओम ओम हा और दिनों में तो कोई पर्व के दिन जलाशयों में तीर्थ का निवास होता, लेकिन माघ महीने में 300 दिन कोई भी जलाशय हो, चाहे गंगा जी हो, चाहे कोई नहर हो, चाहे कोई नदी हो, उसमें तीर्थत्व का प्रभाव रहता है ग्रह नक्षत्रों का। माघ महीने का स्नान बड़ा महत्व है। माघ शुरू होगा, होगा ना? लेकिन इस माघ मास में कुछ ऐसी तिथियां आ रही है जिसको देखकर लगता है कि कितना उज्जवल भविष्य है साधकों का। कल 20 तारीख है, आज 19 है, गुरु अमृत पुष्य योग है। कल के दिन कोई जप करेगा, उपवास करेगा, दान करेगा, ध्यान करेगा, 10,000 गुना फल तो ऐसे ही होगा, लेकिन एकाग्र होकर जप करेगा तो 1,00,000 गुना फल होगा। तो कल तो कई काम छोड़कर जप ध्यान में लगना है। फिर इसी माघ महीने में 26 तारीख का अष्टमी योग है, उस दिन भी बच्चे 26 से 27 तारीख सुबह 4:15 तक जिसको जो मंत्र अथवा जो उपलब्धि करनी हो उन दिनों में वो मंत्र उसके सफल होंगे। मनोरथ पूर्ण करने का मंत्र सिद्धि योग है। गर्भाधान योग में पाराशर ऋषि ने मछुआरे की कन्या लेकर संतान को जन्म दिया, वो भगवान वेदव्यास जी बन गए और उनकी दृष्टि से जिनको संतान मिली वो बाई घबरा गई, पीली हो गई, तो पांडु पैदा हुए, उससे 5 पांडव हुए। दूसरी बाई शर्म के मारे आंखें बंद की, महापुरुष की दृष्टि से बालक हो जाएगा, तो धृतराष्ट्र पैदा हुए जिससे 100 कौरव हुए। तीसरी ने अपनी दासी को सजाकर अपने गहने गांठे पहरा के भेजा तो दासी आदर से खड़ी रही, श्रद्धा भक्ति से, और पाराशर ऋषि की दृष्टि पड़ी, गर्भ जो रहा वो विदुर जी उत्पन्न हुए। और विदुर जी इतने धर्मात्मा के विदुर नीति नाम का उनका ग्रंथ राजेंद्र बाबू पढ़ते थे और बड़े बड़े सभाओं में विदुर नीति के ग्रंथ का उद्धरण देते थे, दृष्टांत देते थे अपने प्रवचनों में। तो एक मछुआरे की कन्या जिसके शरीर से मच्छी की दुर्गंध निकलती है, पाराशर ऋषि ने कहा कि तुम्हारी कन्या विवाह के योग्य है और आज का दिन फलाने फलाने समय में रात्रि को अगर गर्भाधान होता है तो बालक दुनिया का तारणहार होगा। मैं अब किसको बताऊं, कौन ये सब मानेगा मेरी बात, तू मेरे को अपनी कन्या दान कर दे। अरे बोले बाबा, आप पाराशर ऋषि में मच्छी मार, और वो निगुड़ी छोरी दूर तक उसके शरीर से बदबू आती मच्छी की। अरे बोले मैं योजन गंधा बना दूंगा पानी का छीटा मार के, योजन पर्यंत उसके शरीर को छू के जो हवा आएगी वो सुगंध हो जाएगी। शादी विवाह अभी तो समय का, संध्या को देखे, अरे मैं अभी संध्या कर देता हूँ। ऐसे समर्थ ऋषि ने वक्त को जाना, होरा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भाधान का दिन तो नहीं है,
लेकिन आपके हृदय में भगवत भक्ति का दान और फल हो ऐसे दिन आए इस माघ महीने में। 20 जनवरी, 26 जनवरी से 27 जनवरी, फिर ऐसे करते करते फरवरी की अमुक तारीख है। माघ मास में वैसे ही सभी जलाशय तीर्थ माने जाते, रोज स्नान करे उसको पित्त की तकलीफ नहीं होगी। सुबह ठंडे पानी से स्नान कर लेगा तो शरीर में जो गर्मी छुपी है उसको पित्त बोलते, तो गर्मी और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है, उससे बचाव होगा। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो हरि का उच्चारण 15 मिनट तक आसन बिछा के माघ महीने में कर लो, नियम कर लो। दुनिया के धंधे तो होते रहेंगे लेकिन उसमें सारे जो आप 10-10 घंटे लगाकर मत्था पची करते वो फायदा नहीं होगा, 15 मिनट में इतना फायदा होगा कि 7 पीढ़ियों को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आज के पूनम के दिन तो हम आपसे, आज तक हमने कुछ मांगा नहीं तुमसे, गुरु को दक्षिणा देना आपका कर्तव्य है और मेरा दक्षिणा मांग के ले लेना न दे तो जबरदस्ती फीस लेता है डॉक्टर, है फीस देके जा, वो लेना मेरा अधिकार है। तो हम आज तुम अपना अधिकार का उपयोग करेंगे, हमने आज तक कुछ मांगा नहीं, आज तो हम झोली फैला रहे हैं। तुम्हारे पॉकेट मत खोलो, खाली हाँ भरने के हाँ कर दो कि 15 मिनट हरि ओम का गुंजन करेंगे, माघ मास को 7 पीढ़ी तारने वाला बनाएंगे, बस इतना हाँ भर लो। ए झोली में बोल, रुपया पैसा मेरे को नहीं चाहिए, आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, आपका हार्ट अटैक का बिना हो ऐसी दवाई भी फ्री देंगे, पास सर्जरी ना कराना पड़े वो भी फ्री में, हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, अगर हो गया हो पी लिया जोंडस तो 50 माला जप करो एक दिन में, 20-20 लाख लेते दिल्ली में लीवर बदलने का, पी लिया होता है जोंडस होता है तो, साई भी बोलते हैं सिंधी में, गुजराती में कमड़ो कमड़ी बोलते हैं, वो निगुड़े निगुड़ी 20 पैसा भी खर्चा ना लगे और चला जाए, खाली 50 माला जप करो, वो आशीर्वाद मंत्र भी मैं आपको फ्री में ही दे आज तक, खाली आज मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, रुपया पैसा नहीं। आप 15-16 मिनट चाहे जिस भगवान को मानते हो, पानी की दो घूंट भर के यूं बैठ गए, अगर 45 साल से उम्र कम है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, और मैं आज भगवान का ओमकार मंत्र का जप करूँगा, जिसकी शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण है ऋषि, और जिस ओमकार का देवता अंतर्यामी परमात्मा है, मैं उसकी प्रीति, उसका आनंद, उसका सामर्थ्य पाने के लिए जप कर रहा हूँ। हरि अगर 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां आमने सामने दबा दी, हरि ओ पंद्रह मिनट 3 दिन 45 मिनट में तो आपके अंदर के रक्त के कण बदलने लगे, मन के दोष कम होने लगेंगे, बुद्धि के दोष कम होने लगेंगे, जिन आदतों को आप छोड़ नहीं सकते उन आदतों को छोड़ने में आपका अंतरात्मा का सहयोग मिल जाएगा। छोटा हमेशा बड़े की छाया में, बड़े की शरण में, बड़े के छोटे नेते बड़े नेताओं की हजूरी में रहते, वो सारे दुनिया के नेता मिल जाए तो भी इंद्र के आगे बबलू हो जाते और इंद्र
रब के आगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, और वो ब्रह्मा जी जिसकी स्तुति करता है वो हरि के साथ आपका संबंध जोड़ लो, मैं तो फिर से हाथ जोड़ता हूँ। बहुत जुड़ा हुआ है, खाली याद करना है। अंगारे हैं खाली, राख हटानी बस, और मैं कहीं ना कहीं मांगता हूँ और कभी मांगूंगा भी नहीं, वचन देता हूँ। या जब आप सुनो कि बापू ने चीज वस्तु रुपया पैसा कपड़ा मांगा है, उसी दिन आप मेरे को पीठ दे के कहीं चले जाना, मैं नहीं मांगूंगा, वचन देता हूँ। अभी तक तो नहीं मांगा है। भगवान के लिए भी हमने ये कह दिया, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, तो आपसे क्यों मांगूंगा। हमारी मोहब्बत में कुछ मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसको हम पर भी तो नाज है, हम तुमसे क्यों मांगेंगे। माघ मास में 19 जनवरी से 18 फरवरी तक माघ मास का स्नान का बड़ा भारी महत्व है। इन दिनों में सब जल गंगा जल के समान माना जाता है। वगादे विमले शुद्धे सत्यतोये धृति हृदय स्नातव्य मानसे तीर्थे सत्वम आलंबा शाश्वतम तीर्थम शौचम अनर्थित्वम आर्जम सत्यम आर्द्रम अहिंसा सर्वभूतानाम अंद्रसशयम दमः शमः। एक तो होते हैं बाहर के जलाशय तीर्थ स्नान, वो सामान्य आदमी के लिए है, लेकिन जिसको सद्गुरु मिल जाता है उसको हजार गुना तीर्थ फल देने वाली समझ के साथ घर बैठे आराम से सभी तीर्थों में स्नान करने के फल को पा लेता है। बैठे रहना बेटे, महाभारत अनुशासन पर्व में लिखा है, अगाधे विमले शुद्धे सत्यतोये धृति हृदये। अगाध जलाशय के कुंड में आप स्नान करो, धैर्य रूपी कुंड में सत्य रूपी जल से भरे जलाशय में निर्मल और शुद्ध भाव से तुम्हारी नाम चिंतन करके शांत हो जाओ, ऐसा तीर्थ धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए आथा जोड़ी कर रहा था कि महातीर्थ में आप स्नान कर लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हरिद्वार जाओ या फलानी जगह जाओ, ये बाहर के तीर्थ है, लेकिन महाभारत में लिखा आत्म तीर्थ में ब्रह्म परमात्मा के तीर्थ में तुम प्रवेश करो। ये 15 मिनट करोगे ना उस तीर्थ में, आप नहीं चाहो तो भी नहा लोगे। उसमें सर्दी लगा हुआ व्यक्ति भी नहा सकता है। ये ऐसा तीर्थ है आत्म तीर्थ। पानी के तीर्थ में तो शरीर नहाता है, लेकिन रब के तीर्थ में मेरे बच्चे नहा ले, बस इसीलिए आता जोड़ी है। धैर्य रूपी कुंड और सत्य रूपी अगाध निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानसिक तीर्थ में परमात्मा में आराम शांत। उस परमात्मा शांति का आश्रय करके आप चुप बैठेंगे तो समझ लो अंदर में टुब्बी मार दी। शरीर तो बाहर के पानी में गोता मारता है, तुम रब के तीर्थ में गोता मारो, बस ये आशाराम की आशा है। इससे निष्कामता रूपी सद्गुण आपका निखरेगा, सरलता रूपी पुष्प खिलेंगे और सत्य मृदुता निरअहंकारिता जैसे सुगंधित पुष्प खिलेंगे, जैसे पुष्प वाटिका में दूर दूर से मधुमक्खियां मधुमक्खी और भंवर आ जाते हैं, यात्री आकर्षित होते हैं,
ऐसे आत्मतीर्थ में आप गोता मारोगे तो आपका दीदार करके लोग भी खुशहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। ऐसा तीर्थ में गोता मारो माघ महीने में। हरि ओम का उच्चारण करा अगाध शांति, जितनी देर उच्चार किया उतनी देर शांत रहे बस, इससे अनंत फल होने लगेगा। क्योंकि हरि का ह और ओम का म, उसके बीच संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। और अगाध उच्चारण, लंबा उच्चारण करोगे तो अगाध परमात्मा सत्य में विश्रांति मिलेगी। मैंने जाने क्या क्या भजन साधन अनुष्ठान किया और कितने कितने बड़े सिद्ध पुरुषों का सानिध्य मिला मुझे, लेकिन उन सब में से आपका जल्दी मंगल हो जाए वही बात, जैसे मधुमक्खी सार चुन कर शहद बनाती है, ऐसे ही मैं उसमें से सार सार लेकर आप तक पहुंचाता हूँ। ऐसा ये आत्म मधु तीर्थ, धैर्य रूपी कुंड और सत्य रूप। एक तो आप उच्चारण करोगे स्वभाव में धैर्य आएगा, फिर झूठ बोलने की आदत से आप धीरे धीरे अपने आप बचोगे। सत्य रूपी अगाध निर्मल तथा शुद्ध जल से आप पूर्ण होने लगोगे, लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे और आपको अपने वचन पर, वाणी पर, संकल्प पर विश्वास होगा। मानस तीर्थ में परमात्मा विश्रांति में आप स्नान करते रहो, निष्कामता का, सरलता का, सत्य का, मृदुता का, अहिंसा का, अक्रूरता का, इंद्रिय संयम का और मनोनिग्रह का धन आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे जगत के धनवान आपका दीदार करके भाग्य बना लेंगे, जगत के सत्तावान तुम्हारे आगे मत्था टेक कर सत्ता संजो लेंगे, जगत के बीमार और दुखियारे आपका दीदार करके बीमारी और दुख के सिर पर पैर रखने वाले हो जाएंगे। ऐसे तीर्थ में नालों में फिर से हम हाथ जोड़ूंगा तो आपका हृदय भर जाएगा। मैं तो ऐसे तीर्थ की प्रार्थना की झोली फैला रहा हूँ। 15 मिनट आप नहीं कर सकते उस तीर्थ, जो करेंगे वायदा दे करते तो हाथ ऊपर करो, आज से शुरू हो जाना बस। इस माघ मास में बाहर सुबह भले आप नहा लेना, गंगे यमुने करके बाल्टी भर के, गर्म पानी से स्नान करना स्वास्थ्य के लिए बुरा है, शरीर में गर्मी बनी रहती है, ठंडे पानी से वो गर्मी निकल जाती है तो हार्ट अटैक, पित्त, मासिक धर्म की गड़बड़ियां सब दूर हो जाती है। इसीलिए माघ मास में ठंडे पानी से स्नान का महत्व है। वैसे भी घरों में गर्म पानी स्वास्थ्यप्रद नहीं है।